मुरादाबाद के थाना मंझोला पुलिस ने एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें पति पत्नी के विवाद में पति ने ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल भी बरामद किया है। मंझोला थाने इलाके के मलगड्डा में विगत 19 नवंबर की देर रात हुई लूट की घटना पे आज उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब पुलिस ने वादनी के पति फिदा हुसैन को ही घटना का मुख्य आरोपी बताते हुए गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया। एसपी सिटी अमित आनंद ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि वादनी शाहिदा परवीन ने घटना के अगले दिन ही अपने पति फिदा हुसैन और एक अन्य रिश्तेदार पर शक जाहिर करते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज कर दिया था, जिस आधार पर मंझोला पुलिस ने सरकारी कर्मचारी फिदा हुसैन को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने एक साजिश के तहत किया था जिससे कि वो अपने बच्चों के साथ रह सके। पिछले एक साल से दोनों के बीच विवाद चल रहा है, वे अकेले ही ठाकुर द्वारा में रह रहा है। उसने अपने बहनोई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें और भी कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से नकदी के साथ कुछ ज्वेलरी भी बरामद की है। पुलिस ने फिलहाल फिदा हुसैन सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 19 तारीख को थाना मझौला क्षेत्र में मलगद्दा गांव में एक लूट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें वादिनी ने अपने पति के ऊपर ही आरोप लगाए थे। इसमें पुलिस ने विवेचना करी। इसमें आज इसके पति सहित तीन अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसमें विवेचना में जो सामने आया कि पति और पत्नी के बीच में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था और पति ने इस लूट की घटना को कारित करने के लिए अपने बहनोई और उसी के दोस्त नदीम से इस बारे में चर्चा करी। इन लोगों ने अन्य तीन लड़कों को इकट्ठा किया और घटना वाले दिनांक को ये लोग घर के अंदर घुसे और वहाँ से जेवर और कैश इन्होंने घर से लूटा। इसमें जो इसने बताया कि ये कार्य करने के लिए इसने जो मंशा थी कि अगर इस तरह की घटना इसके घर में होगी तो इसकी बीवी को लगेगा कि मेरे पति को मेरे घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी लगभग एक डेढ़ वर्ष से ठाकुर द्वारा क्षेत्र में अपने घर से दूर रह रहा था। और तो इसी बहाने इसके पति को अपने घर में बुलाएगी और इनके बीच में जो विवाद चल रहा है वो सुलह होगा। इसमें चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें फिदा हुसैन पति, इसके अलावा फैसल जो थाना कटघर का रहने वाला है, फहीम जो मैनाठेर थाने का है, अकरम ये भी मैनाठेर का रहने वाला है। इसके अतिरिक्त दो अभियुक्त इस समय फरार है, नसीम और नदीम, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। और इस पूरे प्रकरण में जो बरामदगी की गई है, एक हार, एक अंगूठी, एक जोड़ी कान की बाली, पाजेब टीका और इसके अलावा 20,000 रुपये कैश। सर, जो आरोपी हैं क्या हैं, जो अन्य आरोपी हैं गिरफ्तार? इसमें फिदा हुसैन जो गिरफ्तार किया गया है वो वादिनी का पति है और जो एक अभियुक्त जो फरार है वो पति का बहनोई है और इसके अलावा बाकी बहनोई और इसके पति के दोस्त हैं जो इस घटना में शामिल हैं। पति को परिवार को अपनाने की वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया था, हथौड़े से बात किया गया था, उसके पीछे क्या वजह सामने आई, किस तरीके से बात किया गया था, मारा गया था? जो पति ने बताया कि इसने जो मंशा अपनी पति को पत्नी को डराने धमकाने और इस तरह का घटना कारित करने के लिए इसलिए करी थी कि ताकि ये पत्नी डर जाए और इसके पति को वापस बुला ले। बट ये जो लोग वापस अंदर गए घटना करने तो उसमें इन्होंने इसने जो इसने बताया तो उससे अधिक कार्य किया, जो लूट की भी घटना करी, साथ में कैश जेवर और ये मारपीट की भी इन लोगों ने घटना करी। पुलिस की गिरफ्तारी में आरोपी गवर्नमेंट सर्वेंट है सरकारी? ये जो पति है ये सफाई कर्मचारी है। सर, पुलिस की गिरफ्तारी कैसे आरोपी? इसमें जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी, साथ ही जो फील्ड में इंटेलिजेंस लगाई गई थी और CDR एनालिसिस पे इन लोगों के बारे में तथ्य सामने आए, कुछ लोकेशन घटना स्थल के आसपास मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए सारे साक्ष्यों पर संकलित करते हुए इन लोगों का घटनाक्रम समझ में आया। इनसे जो पूछताछ हुई तो इन सभी ने इस चीज़ को स्वीकारा कि किस तरह से इन्होंने घटना करी। इसमें जो पति है इन सभी अभियुक्तों को मिला भी था, इनसे बातचीत करी थी और किस तरह घर में एंटर होना ये भी उसने बताया था, जिसके कारण इन लोगों ने घटना करने में आसानी से करी। इसमें एक गले का हार, एक अंगूठी, एक जोड़ी कान की बाली, एक टीका, एक जोड़ी बाजे,
के साथ 20,000 रुपये कैश की बरामदगी की गई है।